सभी को नमस्कार। मैं शुभकरण, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM श्री राधेश्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। जैसा कि पहले हमने BCOM पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन बुक में यूनिट प्रथम के अंतर्गत ग्रामीण विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का अध्ययन किया। दूसरे ई कंटेंट में, ई व्याख्यान में ग्रामीण विकास का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट का अध्ययन किया। तीसरे अध्याय में हम ग्रामीण विकास की व्यूह रचना और ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का मूल्यांकन एवं वर्तमान विषय, करंट इश्यू संबंधित हमने वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको अवगत कराया। आज हम BCOM पार्ट 3rd वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी चैप्टर ग्रामीण विकास प्रशासन, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर का अपन अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ में ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, ग्रामीण विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण विकास प्रशासन के महत्व एवं पदानुक्रम का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीन बाय रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड हायरार्की ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम में, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आज के इस ई व्याख्यान में आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी, इम्पोर्टेंट चैप्टर व इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। ग्रामीण विकास प्रशासन, ग्रामीण विकास अभिकरण, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य से पहले हमें प्रशासन का अर्थ समझना होगा, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कर्ष रीति से शासन करना। वर्तमान में शासन का अभिप्राय सरकार से लगाया गया है, लेकिन इसका प्राचीन वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। हम समझे प्रशासन सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, इसमें जनता का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या जनता की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार प्रशासन का मुख्य उद्देश्य
मनुष्य द्वारा परस्पर सहयोग की जाने वाली वह सामूहिक क्रिया सम्मिलित है जिसमें वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। अर्थात इसमें मानवीय भौतिक साधनों का नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है, प्रशासन होता है। यह तो प्रशासन की सामान्य शब्दों में परिभाषा थी। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन या ग्रामीण विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है। ग्रामीण विकास प्रशासन, मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको पूर्व में हमने बताया कि प्रशासन का वह रूप जो ग्रामीण विकास से संबंधित है, अर्थात हम कह सकते हैं उसे ग्रामीण विकास प्रशासन। इसलिए एक सामान्य सी परिभाषा हो गई, प्रशासन का वह रूप जो ग्रामीण विकास से संबंधित है ग्रामीण विकास प्रशासन कहलाता है। इनका अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो ग्रामीण विकास के लिए संपन्न की जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण विकास करने से है, गाँव के समग्र विकास करने से है, जिससे सुशासन एवं अच्छा प्रशासक ही प्रशासन कर सकता है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य हम समझेंगे कि ग्रामीण विकास प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार इसमें ग्रामीण विकास कार्य में विभिन्न प्रकार की एजेंसियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि ग्रामीण विकास प्रशासन को पूर्ण रूप से संचालित करती हैं। आगे अपन अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्व, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रामीण विकास प्रशासन प्रशासन का क्या महत्व है, सर्वप्रथम इसकी भूमिका के बारे में अपन चर्चा करें कि भारत एक विकासशील देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 2/3 से अधिक गांवों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या का 25.7%, अर्थात प्रत्येक चौथा ग्रामीण व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। करोड़ों भारतीय जो गांवों में निवास करते हैं, बेरोजगारी व निर्धनता के कारण अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वह असमर्थ हैं। परिणाम स्वरूप वे निम्न जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण निर्धनता, बेरोजगारी को समाप्त करने में ग्रामीण विकास प्रशासन प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्व है हम विभिन्न बिंदु पॉइंट्स के माध्यम से अपन समझेंगे कि ग्रामीण विकास प्रशासन ग्रामीण लोगों के लिए क्या क्या भूमिका एवं क्या क्या इम्पोर्टेंस प्रदान कर रहा है। पहला महत्व है ग्रामीण विकास में तीव्रता, रैपिडिटी इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में तीव्रता से ये है कि गाँवों में बेरोजगारी और गरीबी बहुत पाई जाती है। इसका प्रशासन के माध्यम से शीघ्र समाधान करके गाँवों के विकास को गति प्रदान करें, जिससे कुशल ग्रामीण विकास, गाँवों का सर्वांगीण विकास होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास एजेंसियों में तालमेल।
कोऑर्डिनेशन बिटवीन रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ग्रामीण विकास एजेंसियों में तालमेल से अपन समन्वय बनाना बहुत आवश्यक है, अर्थात ग्रामीण विकास कार्यों को संपन्न करने में अनेक एजेंसियां लगी हुई हैं जो विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों में समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन विभिन्न विकास एजेंसियों के कार्यों में तालमेल बनाने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार ग्रामीण विकास एजेंसियों का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। तीसरा है कुशल निर्देशन, एफिशिएंट डायरेक्शन। कुशल निर्देशन अर्थात सही तरीके से मैनेजमेंट इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है कि किसी भी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कुशल निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण कार्य है, अतः ग्रामीण विकास प्रशासन कुशल निर्देशन के द्वारा इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करवाता है। अगला पॉइंट है वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग होना चाहिए जिससे ग्रामीण विकास या गांव का सर्वांगीण विकास हो सके। अपन देखें गत कुछ वर्षों से केंद्र व राज्य सरकार अपने बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण विकास पे व्यय करती है, अतः वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग अति आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन इस बात का ध्यान करता है कि वित्तीय साधनों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए गांवों को या ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा के उनका विकास करके गांवों का समग्र विकास करके सुव्यवस्थित प्रशासन करती है। इस प्रकार विभिन्न साधनों का वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग भी करती है। पांचवा है बिंदु सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास, डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास भी ग्रामीण विकास प्रशासन हेतु लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय ग्रामीण विकास प्रशासन सरकारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखता है। प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास के लिए आवश्यक कदम भी उठाता है। तो ये इसके पांच पॉइंट्स का आपने बिंदुवार अध्ययन किया। छठा पॉइंट है संतुलित ग्रामीण विकास, बैलेंस्ड रूरल डेवलपमेंट। गांवों का संतुलित विकास केवल कुशल ग्रामीण प्रशासक के द्वारा ही संभव है, क्योंकि ग्रामीण विकास प्रशासन इस बात का ध्यान रखता है कि गांवों का संतुलन या समग्र विकास हो, मतलब संतुलित विकास पे ज़्यादा ध्यान वह केंद्रित करता है। तो इस प्रकार ग्रामीण विकास प्रशासन के महत्व में संतुलित ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सातवां पॉइंट है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ग्रामीण विकास में लगे विभिन्न व्यक्तियों का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण विकास प्रशासन समय समय पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम सेमिनार का आयोजन करता है जिससे प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसे ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेके वे अपने इच्छानुसार कार्यों में लगते हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध होता है जिससे व्यक्ति का और गांव का संपूर्ण तरीके से विकास होता है। लास्ट पॉइंट है आठवां से विवर्गीय प्रबंध, पर्सनल मैनेजमेंट। सेविगे प्रबंध में ग्रामीण विकास कार्यों में लाखों कर्मचारियों अधिकारी लगे हुए हैं। इन कर्मचारियों अधिकारियों के सेवा नियमन, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश ग्रहण आदि के अनेक मामलों का निस्तारण ग्रामीण विकास प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सेविवर्गीय प्रबंध पर्सनल मैनेजमेंट का
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि ग्रामीण विकास प्रशासन के महत्व में अग्रणीय रोल है, जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी चैप्टर में टॉपिक, ग्रामीण विकास प्रशासन का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप इस चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं कि ग्रामीण विकास प्रशासन का पदानुक्रम ग्रामीण विकास के संबंध तंत्र के द्वारा होता है। पहला है इसमें मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें प्रथम है ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार पर ग्रामीण विकास मंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराने के लिए उत्तरदायित्व भी होता है उत्तरदायी होता है। वह सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों कार्यक्रमों के बारे में कार्यपालिका को समय समय पर निर्देश देता है। दूसरा है सचिव। ग्रामीण विकास प्रशासन हेतु सरकार सचिव या आयुक्त की नियुक्ति करती है। सचिव या आयुक्त शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके दिशा निर्देशानुसार विभाग के समस्त कर्मचारियों अधिकारी कार्य करते हैं। अगला है जिलाधीश, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर कलेक्टर जिला का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य भी होता है, जो कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और पंचायत राज्य संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप कलेक्टर विकास अधिकारी के कार्यों में भी विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, जिसे जिले में ग्रामीण विकास के कार्यों में समन्वय करना, विकास कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना, विकास कार्यों के संबंध में तात्कालीन प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजना आदि उनके प्रमुख उत्तरदायित्व हैं। ये जिले के विकास तथा समाज कल्याण विभागों के अध्यक्षों को निर्देश, परामर्श में सहयोग प्रदान करता है, जिसे जिले के विकास अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर को प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उनको पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह अनेक राज्यों में जिला परिषदों का पदेन सदस्य भी होता है। वह जिला परिषदों की बैठकों में भाग भी लेता है। कलेक्टर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष भी होता है। वह पंचायत समितियों पंचायतों के बाहर से नियंत्रण रखता है। यह देखता है कि उक्त संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है नहीं। तो इस प्रकार जिला कलेक्टर या जिलाधीश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके एवज में अतिरिक्त जिलाधीश विकास एवं परियोजना निदेशक अर्थात अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जो कि विकास कार्यों में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ग्रामीण विकास कार्यों के संचालन हेतु जिला स्तर पर ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA स्थापित किए गए हैं। इन अभिकरणों को सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर विकास एवं परियोजना निदेशक कहलाता है। वह कुछ राज्यों में कलेक्टर व कुछ राज्यों में जिला प्रमुख के निर्देशानुसार भी कार्य करता है। अतिरिक्त कलेक्टर विकास भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। अगला है जिला परिषद में जिलाधीश का रोल होता है। अगला है प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कुछ राज्यों में कलेक्टर को विकास कार्यों से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है इत्यादि। इन राज्यों में जिला स्तर पर विकास कार्यों का उत्तरदायित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO को सौंपा गया है। यह अधिकारी जिला कलेक्टर के स्तर का वरिष्ठ अधिकारी भी होता है। जिलाधीश एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के जिला स्तरीय कार्यों में स्पष्ट एवं विवेक सम्मत विभाजन रेखा खींच दी गई है। विकास कार्यों से संबंधित विभागों के जिला स्तर अधिकारी उनके
मुख्य कार्य अधिकारी के नियंत्रण में रखा गया है। मुख्य कार्य अधिकारी जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले स्थानीय विकास कार्यों के लिए उत्तरदायित्व है, जबकि जिलाधीश बड़ी राज्य योजनाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है। आगे है विकास खंड अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। विकास खंड अधिकारी प्रत्येक ज़िले में जिला परिषदों के अधीन पंचायत समितियाँ स्थापित की जाती हैं। विकास खंड अधिकारी पंचायत समितियों में विकास खंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। प्राय राज्य प्रशासनिक सेवा या उसके समकक्ष सेवा BDO नियुक्त किया जाता है, जो अपने विकास खंड में ग्रामीण विकास के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व होता है। अन्य व्यक्तियों में है सरपंच, ग्राम सेवक, अध्यापक और पटवारी। ग्रामीण विकास प्रशासन में अन्य अनेक लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें जिला परिषद का सचिव, उप सचिव, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग आदि के प्रसार अधिकारी, लेखापाल अभियंता, सांख्यिकी अधिकारी, ग्राम सेवक, अध्यापक पटवारी आदि सम्मिलित हैं। ग्राम स्तर पर सरपंच, पंच व ग्राम सचिव ग्रामीण विकास प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ग्रामीण विकास प्रशासन के बारे में अपने इसके महत्व एवं पदानुक्रम को बिल्कुल संक्षेप में अध्ययन किया, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे अपन ई व्याख्यान में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। धन्यवाद।